हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और क्रिप्टो बार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो न्यूज़ आ रही है कि रूस अटैक करने जा रहा है यूक्रेन पर, न्यूक्लियर अटैक, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अब वो ये अटैक करेगा या नहीं करेगा ये तो रूस ही जानता है। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा काफ़ी सारे कॉइन्स के, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और जो भी कॉइन्स आपके पास हैं आप प्लीज़ उनमें स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि मार्केट एकदम से नीचे की तरफ भी जा सकती है। हालांकि अभी एक काफ़ी बड़ा पंप हमें देखने को मिला है बिटकॉइन में, लेकिन ये एक फेक पंप भी हो सकता है, तो इस चीज़ से हमें बचना है। अभी हमें क्या करना है, अभी स्टॉप लॉस लगा लेने हैं अपने अपने कॉइन्स में। अगर कोई कॉइन, मैं आपको बताने में असमर्थ रहूँ, कोई कॉइन आपके पास है और मैं अभी इस वीडियो में ना बता पाऊँ, तो आप अपने हिसाब से सपोर्ट देख के, रेजिस्टेंस देख के आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम सिग्नल्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पे आपको यूजर नेम दिखाई दे जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस बिटकॉइन का होना चाहिए, यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए 37,800 से नीचे, ठीक है। यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन में। वैसे बिटकॉइन में मैक्सिमम लोग ट्रेड नहीं करते, ये केवल और केवल होल्डिंग के लिए रखा जाता है, या अगर ट्रेड होता है तो फ्यूचर्स ट्रेड होता है। तो फ्यूचर्स के लिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, स्पॉट के लिए बता रहा हूँ केवल। इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 2550 के आसपास का, क्योंकि दो बार विक यहाँ तक आई है, और 50 तक का अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप होता तो फिर प्राइस इथेरियम का आ सकता है 2486 तक का। इसके बाद हम देखते हैं लूना को। तो इम्पोर्टेंट जो मेन मेन कॉइन्स है जो आप लोगों के पास है वही कवर करेंगे। तो लूना का अगर हम स्टॉप लॉस रखें तो यहाँ पे हमें रखना है लगभग 74 के आसपास का स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस ड्रॉप होगा तो फिर प्राइस यहाँ तक 72 या फिर 70 तक आने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है 66 के आसपास भी आ जाए अगर बड़ा क्रैश आएगा तो। इसके बाद हम बात करते हैं पोलका डॉट की। तो आप सभी कॉइन्स में देख सकते हैं एक बड़ा उछाल आया है। तो पोलका डॉट में स्टॉप लॉस हमें कहाँ का रखना है, इस वीक से थोड़ा नीचे रख लेते हैं यहाँ पर 16.5 का। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने कलेक्शन किया हुआ है कॉइन्स का, तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको लॉस से बचना है, अगर एक भारी भरकम लॉस होता है उससे बचना है, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डॉट का। डॉट का 16.50 के आसपास हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो प्राइस डॉट का काफ़ी नीचे तक हमें मिल सकता है अगेन बाय करने के लिए। इसके बाद अगर किसी के पास कार्डानो है तो कार्डानो का स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे लगाना है। तो कार्डानो में यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला पैटर्न। और अभी कार्डानो में इस पैटर्न का शायद ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट कब तक रुकेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मार्केट के डाउन जाने के चांसेस लग रहे हैं। तो हालांकि 1% मार्केट अगर अप भी जाती है तो आपका स्टॉप लॉस आपको कोई परेशानी नहीं देगा, अगर मार्केट क्रैश करती है तो स्टॉप लॉस आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। तो कार्डानो का स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगा सकते हैं, कार्डानो देखिए अगर वापस आया तो यहाँ तक बड़ी इजीली आ सकता है 0.83 तक, क्योंकि ये इस चैनल को फॉलो कर रहा है। तो आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है कार्डानो का तो 0.86 के आसपास आप लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे जरूर आएगा, ठीक है। अगर और ज़्यादा क्रैश होता है तो फिर प्राइस यहाँ तक आ सकता है कार्डानो का 0.75, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था। इसके बाद हम डॉज की बात करते हैं। तो डॉज में स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, डॉज में लगाना चाहिए 0.22। सारे के सारे टारगेट आपको मैं यूएसडी में दे रहा हूँ, यूएसडीटी में दे रहा हूँ, आईएनआर में नहीं दे सकता, आईएनआर में दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम एआर का देखते हैं। एआर जिसके पास होगा, देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी एआर में और अपने सपोर्ट जोन में है ये भी, एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका ये, और इसके बीच में भी ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा $30 के आसपास का। 30 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर प्राइस इसका नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। 30 या 29 आप अपने हिसाब से इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 29 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 29.8 के आसपास लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम देखते हैं सोलाना का। देखिए काफ़ी बड़ी स्पाइक है ये सोलाना में भी,
तो सोलाना का स्टॉप लॉस हमें रखना है 88 के करीब, हम रख सकते हैं स्टॉप लॉस। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि सोलाना का यहाँ पे 83 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो सभी कॉइन्स में आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखें, शॉर्ट टर्म होल्डर है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखें। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नियर प्रोटोकॉल की। नियर में भी काफ़ी लोगों ने बाइंग की होगी, तो नियर का स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पर 8.25 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर प्राइस यहाँ तक इसका आ सकता है अगेन 7.5 तक, तो हमें बाय करने का अगेन मौका मिल सकता है। एफटीएम की बात करते हैं, तो एफटीएम का स्टॉप लॉस हमें यहाँ का लगाना है 1.53 का, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर एफटीएम भी हमें काफ़ी नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बाद हम 1 इंच को देखते हैं। 1 इंच का स्टॉप लॉस हमें लगा देना है 1.32। अगर क्रैश करती है तो 3.2 से नीचे आएगी, तो 1 इंच भी हमें 1.20 के आसपास देखने को मिल सकता है। रून की बात करें तो रून का स्टॉप लॉस हमें लगा देना है 3.36 के आसपास का। इसको ब्रेक करेगा तो रून पहुंचेगा यहाँ पर $3 के आसपास, तो अगेन हम इसको यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोटी को देख लेते हैं एक बार। तो कोटी का स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं यहाँ पर 0.19 के आसपास, कोटी का स्टॉप लॉस। अगर कोटी इसको ब्रेक करता है तो कोटी भी हमें 0.17 के आसपास हमें अगेन कोटी मिल सकता है। मैटिक को एक बार देख लेते हैं, तो मैटिक का स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1.40 के आसपास। इसको ब्रेक करेगा तो मैटिक भी फिर हमें दोबारा 1.27 के आसपास मिल सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं वन को। तो सभी के सभी कॉइन्स में आप देख रहे हो बिल्कुल सेम ग्राफ बन रहा है। तो वन का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 0.13712। यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं लास्ट की डिजिट है, इसको आप कर लीजिए 0.13627। ठीक है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। इसको अगर ब्रेक करता है तो प्राइस नीचे की तरफ पहुंचेगा 13 के आसपास, और इसको ब्रेक करता है तो प्राइस 0.11। देखिए, ये स्टॉप लॉस केवल और केवल आपकी सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। शायद वो न्यू क्लियर अटैक ना भी हो, लेकिन अगर हो गया तो फिर मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेलर का एक बार बताना चाहूँगा आपको, तो सेलर का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 0.03665। ये डॉलर का रेट है, USDT का रेट है। ठीक है, तो इस हिसाब से सेलर का होना चाहिए। इसके बाद IOTX का आपको बताऊँ तो IOTX का है 0.06874 लास्ट में, USDT का है ये भी। और इसके बाद हम एक बार और कोई कॉइन बचा है तो वो देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गाला। तो गाला का स्टॉप लॉस हमारे पास यहाँ का होना चाहिए 0.22113। तो ये गाला का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बार बार बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।